भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली का कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि 18 अक्टूबर से नए बीसीसीआई के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी रेस में रोजर बिन्नी का नाम सबसे आगे चल रहा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स की माने तो चुनाव महज एक औपचारिकता है, जबकि बीसीसीआई के अध्यक्ष पद के लिए रोजर बिन्नी का नाम तय हो चुका है। इन्हीं खबरों के बीच अब दादा ने पहली बार इन मामलों पर चुप्पी तोड़ी है और काफी इमोशनल बयान दिया है। सौरव गांगुली ने अपने कार्यकाल में काफी उतार चढ़ाव देखे, जिसकी वजह से उन्हें फैंस के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। विराट कोहली और गांगुली में अनबन की खबरें भी खूब वायरल हुई, लेकिन सौरव गांगुली ने स्वीकार किया है कि वह बीसीसीआई अध्यक्ष के तौर पर दूसरी पारी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। उन्होंने बंधन बैंक के एक इवेंट में बातचीत के दौरान कहा, मैं एक प्रशासक रहा हूं और मैं कुछ और आगे करूंगा। आप जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह सबसे अच्छे दिन होते हैं जब आप भारत के लिए खेलते हैं। मैं बीसीसीआई का अध्यक्ष रहा हूं और आगे भी बड़ी चीजें करता रहूंगा। आप एक दिन में अंबानी या नरेंद्र मोदी नहीं बनते, आपको वहां तक पहुंचने के लिए महीनों और सालों तक का काम करना पड़ता है।